भाभी जी वाह लागू, शो शुरू करने से पहले आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस में पिस्ता भैया और पुष्पा भाभी रहती हैं, ये बात तो आपको पता ही है। कल क्या हुआ, पुष्पा भाभी ने दाल बनाई, पिस्ता भैया ने बोला अरे पुष्पा ये कैसी दाल बना दी हो बे, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। भाभी ने बोला दरअसल क्या है ना, मैंने ना दाल के अंदर ना ही हल्दी डाली है, ना ही मैंने नमक डाला है, ना ही जीरा डाला है, मैंने ना इसके अंदर टूथपेस्ट डाल दिया है, क्योंकि सुना है आजकल टूथपेस्ट के अंदर सारे मसाले आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है भाभी कि जिंदगी में कुछ लोगों का सच में कुछ नहीं हो सकता है। खैर जब से 1000 और 500 के नोट बैन हुए हैं, कहीं दाल बन नहीं रही है और कहीं दाल गल नहीं रही है। खैर इन सबको छोड़कर हम खबरों की बिरयानी बनाते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें सुनाते हैं। कार्तिक पर लगा खून का इल्जाम, कोकिला हुई गोपी से नाराज, संगीत की रस्म में तलवारबाजी, रॉकी को मिली अजब शक्ति, शशांक के जन्मदिन पर पार्टी तो है बनती। सीरियल ये रिश्ता के अंदर कार्तिक हॉस्पिटल से आए हैं और पूरे घर वाले उन पर बरस पड़े, गुस्सा दिखा रहे हैं कि भाई तुमने अक्षरा को मारा है। मतलब बताओ अभी तक कार्तिक को पता भी नहीं था कि अक्षरा अब इस दुनिया में नहीं रही, आते ही दिल टूट गया बेचारे का। मतलब मेरे हिसाब से कार्तिक को दिल में ये लग रहा होगा कि भाई इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में था, क्योंकि घर वालों की बात सुई से ज़्यादा चुभ रही है। कार्तिक भाई अभी भी टाइम है, वापस निकल जाओ, यहाँ रहोगे खामों का ड्रामा ही होगा। बदल गए रिश्तों के समीकरण, कल तक जो कार्तिक नायरा की जान था, आज वो उसके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं। मुझे क्या बताऊं मैं? कल तक जो नैतिक कार्तिक को बेटे के समान मानता था, आज वो ही उसके गाल पर जड़ रहा है थप्पड़। अक्षरा की मौत का ताज सज गया है कार्तिक के सर, और इसीलिए कार्तिक से पूरा सिंघानिया परिवार रख रहा है बैर। हमने तुम्हें कितना प्यार किया, अब तक समझो इस फैमिली का हिस्सा बनाया, अपनी बेटी दी तुम्हें और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन कार्तिक है कि उनको नहीं है किसी भी बात की खबर। सब चुप खड़े, मिस्टी कुछ बोल नहीं रही, गायू कुछ बोल नहीं रही, तो ही फील्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ही टेल्स हर कि मुझे घबराहट हो रही है जिस तरह तुम लोग बिहेव कर रहे हो, बट देन शी थ्रोस द बॉम्ब। आपको कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपके शराब के नशे के चक्कर में यहाँ तो किसी की माँ, किसी की पत्नी, तो किसी की बहू की जान चली गई। भाग जाते हैं नायरा से मिलने के लिए, नायरा से पूछने के लिए कि वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में थे, लेकिन फिर भी नायरा उनसे मिलने नहीं आई। तो उनका एक अलग ट्रैक चल रहा है जहाँ पे ही थिंग्स के कुछ हुआ नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड शिरिन का। कैसी ये जुदाई है, आँख भर मेरी आई है, मेरा दिल डूब रहा, इस बस अब डूब न दो, ये पहली बार हुआ, ये क्यों एहसास हुआ, मेरा दिल टूट रहा, इस बस अब टूटने दो। पूरा घर शोक की तैयारी कर रहा है, लेकिन किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं कि घर की लक्ष्मी अब इस घर में वापस नहीं लौटेगी। तभी तो नैतिक ने गुस्से में अक्षरा की तस्वीर उठा ली। चले जाइए। सभी के लिए अक्षरा मम्मा को खोना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो सब टूटे हुए हैं, सब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक्चुअली यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। कार्तिक का किया अब उसे भुगतना होगा, इसीलिए तो पुलिस भी आ गई है उसे ले जाने के लिए, और सिंघानिया परिवार ने भी कर दिया है उसे पुलिस के हवाले। अब क्या करेगी स्वर्णा, अपने बच्चे को कैसे बचाएगी? वो एक माँ है और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि अपने बेटे को उसको बेकसूर साबित करना है। अब वो चीजें जब सामने आएंगी, वो चीजें क्लियर होंगी,
और कहीं ना कहीं वो एक माँ है तो वो एक माँ का दर्द समझ सकती है। ये रिश्ता में ड्रामे का डोज अभी कुछ और दिन कम नहीं होगा। हर एक पल में नायरा के दिल में कार्तिक के लिए नफरत पनपेगी, तो कार्तिक की जिंदगी में भी गम का मौसम होगा। और हो भी क्यों ना, वो बन गए हैं उस इल्जाम के भागीदार जिसे नहीं भुलाया जा सकता चाहकर भी। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाई अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसके पहनने से पत्नियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी, तो आपको भरोसा होगा? नहीं होगा? भरोसा करो, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी चीज है, और पता किसके पास है? सीरियल नागिन के जो रॉकी है ना, उनके पास। जब से उन्होंने वो ताबीज पहना है ना, सच बता रहा हूँ मैं, शिवांगी आसपास भी नहीं भटक पा रही है। हाँ, मतलब इनको तो ताबीज से प्यार हो गया है, इतना प्यार हो गया है कि ये तो ताबीज वाली चाय पीते हैं। हाँ अबे उसे डिप वाली चाय, मुझे पता है उसको डिप वाली चाय बोलते हैं। मैं तो कॉमेडी भी ना करूं, घर पे बैठ जाऊं मैं, कोई चलता फिरता कुछ भी बोल के चले जाता है भाभी। रॉकी को छूते ही लगा जोर का झटका, वो भी शिवांगी को। क्या रॉकी के शरीर के अंदर आ गया है करंट? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ा है आपने। रॉकी को मिल गई है एक ऐसी शक्ति जिससे वो नागिन के जहर से बचा रहेगा। जी हाँ, रॉकी के गले का ये ताबीज देख रहे हैं आप, ये ताबीज रॉकी को हर बला से दूर रखेगा। जैसे ही कोई भी नागिन उसके करीब आने की कोशिश करेगी, उसे ऐसे ही करंट लगेगा। आई थी गले लगने और खा गई 440 का झटका। लगा दिया ना जोर का झटका। कुछ ऐसा ही जोर का झटका शिवांगी को भी लगा। अब आप सोचेंगे कि भला शिवांगी को क्या जरूरत आन पड़ी रॉकी के करीब जाने की? तो आपको बता दें कि ये शिवांगी नहीं बल्कि शेषा है, जो शिवांगी के भेस में आई है रॉकी संग रोमांस रचाने। लेकिन ताबीज ने शेषा को रॉकी से दूर रखा। झगड़ के आई यामिनी से, सर मैं उसे गले लगूंगी, आई किस से मैल डू व्हाटएवर, यू कैन नॉट स्टॉप मी। तो यही मैं ऐसे चैलेंज लेकर आई थी, और कहते ना लग गए 440 वोल्ट छूने से इसे, गिर गई मैं। एक और झटका लगा शिवांगी को जब रॉकी खुद आए शिवांगी के पास रोमांस रचाने। इस ताबीज का असर सिर्फ काली नागिन पर ही नहीं बल्कि सुनहरी नागिन पर भी पड़ता है। ये जो गरुड़ पहना है ना इन्होंने, बस you know, I have a like मेरी I have a company called Firebird, which is गरुड़। Oh wow. Yeah, तो imagine, और यही मेरे पास आया। यही तेरे पास आया। What a coincidence. एक तरफ ये ताबीज बन गया है शिवांगी और रॉकी के बीच की दीवार, तो वहीं दूसरी तरफ यामिनी बना रही है एक और प्लान रुद्र का खून करने का। इस बार यामिनी, शेषा, अवंतिका और गुरुमा ने मिला लिया है हाथ और लगे हाथ कर दिया है रुद्र का कत्ल। रुद्र के जाने के बाद शिवांगी एक बार फिर से रह जाएगी अकेली, और अब तो उसके पास दो दो मकसद होंगे अपना बदला लेने का। एक तो माँ के कत्ल का बदला, दूसरा रुद्र के कत्ल का बदला। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी कल एक आदमी भागा भागा मेरे पास आया, बोला देवर मेरी पत्नी की डेथ हो गई, मतलब मैं चाह के भी नहीं रो पा रहा, मेरे आंख से आंसू निकल ही नहीं रहे हैं, बताओ ना मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई सोचो, इमेजिन करो कि वो मरी नहीं है। बस भाभी मैंने उसको इतना क्या बोला, वो जो रोया है, रो रो के ना उसके मुंह से खून निकल गया, खून की उल्टियां कर दी लड़के ने। हाँ सही बता रहा हूँ, मतलब उसको ना हॉस्पिटल एडमिट करके आया हूँ मैं। मेरी समझ में नहीं आता ये पत्नियों से लोग इतना डरते क्यों हैं। खैर आप अगली खबर देखो। तू होगी बंटू टू, ओ कुड़िये बंटू टू, ओ हो गई मुंडे दी, पतंगा वारगी तू एवें उड़ी दी, ओ हो गई मुंडे दी, हिला ते चल दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दी, अंग्रेजी पढ़ दी।
दुल्हन है तैयार, अब तो बस बारी है बैंड बाजा बारात की। जी हाँ, तमाम नानुकुर के बाद आखिर नैना तैयार हो गई है वीर से शादी करने के लिए। और इसीलिए वो बनी है इतनी खूबसूरत दुल्हन। जिधर मैं भी थोड़ा क्लोज किया तो अच्छी लग रही हूँ एक्चुअली। हाँ, सो आई थिंक यार दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट ब्राइडल लुक। शी इज लुकिंग वेरी प्रीटी, नो डाउट। मांग टीका, कपड़े तो ऑफ कोर्स, लेकिन कपड़ों को छोड़ के आई थिंक मांग टीका इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू वेडिंग आउटफिट्स। एंड गजरा, आई थिंक दीज आर द टू। एंड मेहंदी, देखिए मेरी रियल मेहंदी। सो या ऑफ कोर्स दीज थिंग्स एंड ऑफ कोर्स अ बिग फैट रिंग। हम आपको बता दें कि ये शो का प्रोमो शूट है जिसके लिए नैना हुई है तैयार और उनके साथ है राघव। वो भी तैयार है पूरे दूल्हे के गेटअप में, यानी शादी को लेकर होने वाला है कुछ बवाल। कनीश, सॉरी मैं स्लिप ऑफ नो, इट्स कनीश मल्होत्रा एंड दिस इज डिवाइड बाय सॉकी भव्य साची। भव्य साची, वैसे राघव यहाँ कर क्या रहे हैं यही सोच रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो आपको दिखाया था कि राघव को दादी ने थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था। तो अब क्या राघव घर में वापस आ गए हैं या फिर कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। चंद्र नंदिनी सीरियल के अंदर चंद्रगुप्त और नंदिनी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। इससे ये पता चलता है कि इंसान तो इंसान, राजा महाराजा की जिंदगी में भी दुख आता है। कल क्या हुआ भाभी, मैंने चंद्रगुप्त को फोन लगाया, मैंने कहा सर शादी की सारी तैयारियां हो गई? तो बोले हाँ हो गई, हमने सारे घोड़े बुक कर लिए। मैंने कहा आप तो हाथी बुक करने वाले थे? बोले हाँ बुक तो हमने हाथी किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सभी हाथियों ने मना कर दिया ये बोलकर कि चुनाव आ रहे हैं, हमें प्रमोशन के लिए जाना है। उसकी हर प्यारी चीज उसे छीन। चंद्र नंदिनी का संगीत संगीत में घमासान, हेलेना के तीखे बाण, अगर तुम इस चीज से छीन तो मैं इसकी हर प्यारी चीज उससे छीन। आज यहाँ चल रहा है चंद्र और नंदिनी का संगीत, जहाँ संगीत की हुई तलवारबाजी से शुरुआत। संगीत का फंक्शन चल रहा है आज, हल्दी हो चुकी है और हल्दी में भी बहुत ड्रामा हुआ। अब संगीत में भी ड्रामा बनता है, तो नंदिनी के साइड से वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो चंद्र को मारे, अपना बदला ले, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे घर आए बहू बनके और हम उससे अपना इंतकाम लें। संगीत चल रहा था लेकिन उसमें कुछ दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। जी हाँ, ये है नंदिनी की ही चाल, लेकिन चंद्र के होते हुए कैसे हो सकता है उसकी प्रजा को नुकसान। तो बस चंद्र ने संभाली बात और नंदिनी की जबरदस्ती करवाई सभी से मुलाकात। भाई आप सब तो जानते ही हैं कि ये शादी है सिर्फ एक समझौता जिसमें है सिर्फ और सिर्फ धोखा। वैसे संगीत ही नहीं, यहाँ तो शगुन के दौरान भी नंदिनी की आंखें भर आई क्योंकि हेलेना ने जो उसके जख्मों पर मिर्च लगाई। हेलेना जी का रोल ही ऐसा है कि वो
नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और नंदिनी की हर बात पे वो टॉन्ट मारती है, तो ऑफ कोर्स उसमें भी उन्होंने उसे टॉन्ट मारा है। जहां हेलेना ने किया नंदिनी को परेशान, वहीं चंद्र की दूसरी पत्नी ने दिया उसे बहन जैसा सम्मान। बाकियों का तो पता नहीं, बट मेरी और नंदिनी की तो बहुत जमने वाली है, क्योंकि मैंने तो उसे पहले ही बोल दिया है कि तुम चाहे मेरी सौतन हो पर लेकिन मैं तुम्हें अपनी सिस्टर्स की तरह रखूंगी। भाई अभी तो सिर्फ हुई है शुरुआत, असली युद्ध तो होगा शादी के बाद, क्योंकि नंदिनी को लेना जो है चंद्र से अपना इंतकाम। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी कल ना मेरी किसी ने कंप्लेन कर दी, हाँ तो ब्रेक पर जाने से पहले इसी बात पर अर्ज किया है कि कल किसी ने कहा कि देवर तू बहुत बिगड़ गया है, हो सके तो सुधर जा। देवर तू बहुत बिगड़ गया है, हो सके तो सुधर जा। मैंने उससे बोला ढिंकी टिक्का ढिंकी टिक्का ढिंकी टिक्का ढा। हाँ बताओ, मैं अगर सुधर गया भाभी तो आपको हंसाएगा कौन, खबरें कौन लाकर देगा, है ना? तो भाभी एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में पैदा हुए शशांक व्यास, वही बालिका वधू वाले, मतलब कमाल के एक्टर है भाभी, है ना, आप सब मानते हो। कल उनका बर्थडे है, जी हाँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बोला कि देवर मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम भी आओ यार, मज़े करेंगे। मैंने कहा मैं आ तो जाऊँ लेकिन खाने में क्या है, बोले यार खाने में ऐसा क्या है, सोचा तो है नहीं। मैंने कहा पूरा दिन पड़ा हुआ है ना, तो सोचो ना यार, क्योंकि जब तक खाना नहीं मिलेगा मैं तो नहीं आऊँगा। हाँ भाभी, मतलब मैं उनको गिफ्ट दे दूँ वो मुझे खाने में भी ना पूछे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं जाता हूँ ऐसी जगह, आपको तो पता ही है। तो मैंने उनको बोल दिया खाना बनेगा तो आपके हाथ का ही बनेगा, तो देखो मेरे लिए कुछ पका रहे हैं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी तो बर्थडे के एक दिन पहले ही शुरू हो गई है। जानते हैं किसका है जन्मदिन, तो मेरे टीवी के मोस्ट इनोसेंट बॉय वन एंड ओनली शशांक व्यास से। तो मैं हूँ शशांक व्यास और आज है 29th of November, 30th को मेरा बर्थडे होता है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता है उनके साथ आज मैं जन्मदिन अपना मनाना चाहूँगा। आम बर्थडे नहीं है जिसमें केक कटिंग होती है या जिसमें लोगों के मुंह पे केक लगाया जाता है और बलून्स होते हैं और कैंडल का बुझना एक्स वाई ज़ेड। जी हाँ, शशांक का बर्थडे मनाया जा रहा है एक खास अंदाज में, जहाँ ना केक है ना पेस्ट्रीज, खाने के लिए है चटोर पंती की ऐसी चीजें जिन्हें देखते ही अच्छों के मुंह में पानी आ जाता है। वैसे इस चटोर पंती में अपने खास दोस्त लोग भी मौजूद हैं, तो क्या कहने। ये हैं हमारे विपुल भैया, मनमोहन तिवारी, क्या बात है। और ये है मेरी धर्म पत्नी जिनका नाम है शिवानी सुरवे, आप सबकी विविधा वशिष्ठ। केक वेक तो क्या है, हमारा भी शो का टीआरपी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया, फिर हमने 200 एपिसोड भी कंप्लीट किए, तो केक तो हमारे 3-4 दिन से चल ही रहे थे। लेकिन ये कुछ है जो बड़ा अनयूजुअल है, अनकॉमन सा है, तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा ये पानी पूरी फेवरेट है। तिवारी जी आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? कहते हैं ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, हमारे सामने तो जलेबी रखी हुई है। शशांक बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं, लेकिन खाने पीने को लेकर भी वो काफी परहेज करते हैं और तो और अपने को स्टार्स की डाइट पर भी पूरी नजर रखते हैं। तो खाएगा मतलब इतने गंदे वाले लुक्स मिलता है ना मुझको, मतलब अगर मैंने ले लिया गलती से यहाँ का नाश्ता और मैं एक बाइट क्या खाऊं, इतने गंदे लुक्स आते हैं शशांक व्यास से कि यहाँ से मेरे नीचे नहीं उतरता खाना, मुझे लगता है यार मैं लेकिन बहुत गलत मानती नहीं है। ऑयली खाना और नूडल्स और पता क्या क्या बर्थडे तो चटपटा मन ही रहा है, लेकिन इस बर्थडे पर शशांक को उनके दोस्त क्या गिफ्ट दे रहे हैं, पूछते हैं उनके को स्टार से। इसे एक पैकेट दही। सोच लिया आपने ना, इतने दिन में आपने सोच लिया।
हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू डबलू खाने को मिलते लड्डू तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू खोना दू मैं पाके तुमको आए यकीना खुद पे हमको जैसे नदी को किनारा मिला। भाई सामने हो इतना लजीज और चटपटा खाना, दोस्त हो इतने जबरदस्त, तो खास दिन को और खास बना दे तो भला शशांक का बर्थडे बोरिंग कैसे हो सकता है। न्यूज 18 इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और इतना बड़ा अरेंजमेंट, इतना प्यारा अरेंजमेंट आप लोगों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाभी जी, सीरियल इश्कबाज में कुछ दिन पहले शिवाय की शादी हुई थी, तो उनकी जो वाइफ है ना वो अपने घर चली गई, तो शिवाय उनको लेने गए हैं अपनी दादी के साथ। जी हाँ, वो दादी के साथ गए हैं। दरअसल पहले ना शिवाय का मुझे भी कॉल आया था, बोले कि देवर मैं अपनी वाइफ को लेने जा रहा हूँ तो तुम चलोगे क्या? मैंने कहा मैं चल तो लूँ पर दादी एंकरिंग कर लेंगी क्या? तब जाके वो दादी को लेके गए हैं। हालांकि मैं सोच रहा हूँ अगर दादी एंकरिंग करती तो कैसे करती। इसीलिए मैं रुक गया। शिकायत मिटाने लगी सुबह बेदाग है, सुबह बेदाग है जो पल गलाने शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है, मायका नहीं। उसकी माँ में से दूर नहीं पाया, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया और तूने ये शादी नहीं की। शिवाय और अनिका के लाख शिकायतों का बीड़ा इस बार दादी ने उठाया है। तभी तो अपनी नई बहू को घर लेने आई है दादी, लेकिन शिवाय अनिका का टशन भी कहाँ किसी से कम है। तुम्हें घर ले जाने के लिए आए, मैं किसी को लेने नहीं आएगा। दादी मुझे यहाँ खींच के लाई। इसकी बात मत सुन, चल अभी घर से। शिवाय का बोलना क्या हुआ, अनिका ने तो फट से सारे राज का चिट्ठा खोल दिया और बता दिया शादी का असली सच। जबरदस्ती की शादी क्या मतलब? प्रोग्रेशन है नेचुरल, रिश्ते का प्रोग्रेशन है, स्टोरी लाइन का प्रोग्रेशन है। आई थिंक जो अभी होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक जो कहानी आगे बढ़ेगी शिवाय अनिका के बीच में, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे उसके वजह से, जो फैमिली डायनेमिक्स होंगे, जो फैमिली पॉलिटिक्स होंगी, जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड विल मेक द शो इवन मोर इंटरेस्टिंग। So I'm looking forward to playing, discovering new shades now in Shivai with this development. दादी को सच भी पता चल गया, लेकिन उसके बाद भी वो है कि मानने को तैयार नहीं, तभी तो दे रही है सुहाग की निशानियों का वास्ता। तुमने अनिका के साथ फेरे नहीं लिए, उसके मान में से दूर नहीं पड़ा, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया, बोल तुमने ये शादी नहीं की। प्यार तो आई डोंट नो इफ दैट सेकेंडरी, बट सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लाइक उसके लिए सारे बहुत मायने रखते हैं वर्ड्स, सिंदूर, मंगलसूत्र, शादी, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हर, एंड इसलिए शायद उसका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा उसे निकालने के लिए। मतलब प्यार की कहानी बड़ी मुश्किलों से होती है पूरी, कुछ रह जाती है अधूरी तो कुछ तय कर लेते हैं अपनी मंजिलों की दूरी। अब देखना ये है कि अनिका शिवाय के रिश्ते की कैसे जुड़ेगी कड़ी। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। सीरियल साथ निभाना साथिया की जो कोकिला जी है ना, उन्होंने बड़ी अजीब किस्मत पाई है। जी हाँ, जिस उम्र में उन्हें तीर्थ दौरा करना चाहिए उस उम्र में वो दिल का दौरा कर रही है। जी हाँ, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। पता है क्यों?
क्योंकि जो जग्गी है और गोपी वो घर छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि ये बस नाटक कर रही है ताकि वो लोग ना जाए। हालांकि बहुत अच्छी एक्टिंग की इन्होंने, दो मिनट के लिए तो मुझे भी लगा कि ये निकल ली। हाँ, मुझे भी अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया ये सब नाटक करने के लिए। पूरे शहर में हमारे मोदी परिवार की प्रतिष्ठा की मिसाल दी जाती थी, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारी वजह से वर्षों पुरानी कोकिला को आया गोपी पर गुस्सा, मिट्टी में मिल गई। इसे मैंने खराब सोना समझा था, वो दरअसल पीतल का। बहू को निकालने के लिए बन गई ड्रामे का हिस्सा। आँख से आँख मिलाकर बात करने की बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। जी हाँ, सीरियल साथ निभाना साथिया में चल रहा है कुछ ऐसा ही हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां कोकिला चिल्लाई गोपी पर जमकर क्योंकि बाहर वालों ने सुनाई उन्हें खरी खोटी जी भर कर। कोकिला बेन, आपकी गोपी बहू तो अहम के शक्ल के पीछे बावरी हो गई है लगता है। अहम की और जग्गी की शक्ल अगर मिलती है तो क्या हुआ? शादी तो दोनों की हो ही गई थी, इसमें इतना हैरान होने की और राम राम करने की क्या बात है? राम जी, इन औरतों का तो काम ही है पंचायत करना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। चिल्लाने भर से नहीं भरा कोकिला मोदी का पेट, तभी तो हार्ट अटैक का नाटक किया बिना लिए ब्रेक। लेकिन घर वाले भी हैं काफी समझदार, तभी तो कोकिला का सच बाहर लाने के लिए किया ड्रामा जोरदार। मुझे भी अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया ये सब नाटक करने के लिए। मैं कोकिला मोदी स्वीकार करती हूँ, मैंने नाटक किया, झूठ बोला मैं। अब क्या करेंगी बेचारी कुबूली अपने ड्रामे की एक एक बात बारी बारी, जिसे सुनने के बाद गोपी जाने लगी छोड़कर घर, लेकिन पराग मोदी की खुल गई जुबान और रोक लिया गोपी को जाने से। इस बार इस घर से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या बात है, पहली बार ही सही बट बोले बड़े सही। अब देखते हैं क्या कर पाएंगी कोकिला गोपी को माफ, या फिर आ जाएगी सास बहू के रिश्ते में दीवार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पलखवाल, मुंबई न्यूज 18 इंडिया। ये बात भाभियां अच्छे से समझेंगी कि जब तक खाने में अचार ना हो तब तक खाने के स्वाद का मजा नहीं आता है, है ना? है ना, सही कह रहा हूँ ना? ठीक उसी प्रकार खबरें तो मैं बहुत स्पेशल सुनाता हूँ, लेकिन जब तक सुपर से ऊपर की खबर ना हो तब तक इस शो का भी मजा नहीं आता है। तो आइए ना भाभी, आपको दिखा दे अचार जैसी स्पेशल खबर जिसको सुनने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, आहा मजा आ गया। नितेश जी ने कहा कि हम लोग शुरू करते हैं, आपका जो यंग पोर्शन है वहां से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे नहीं करते, हम उल्टा करते हैं। हम पहले जो मोटापे का जो पार्ट है, जो करीबन 80% फिल्म जो है वो मोटापे में है, तो पहले वो कर लेते हैं। अगर मैं यंग पोर्शन कर लूं और फिर मैं वजन बढ़ा के मैं ओल्ड का जो पोर्शन है वो करूं, तो जब फिल्म कंप्लीट होगी उस वक्त मैं मोटा रहूंगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की। सो पुटिंग ऑन द वेट वाज फन, आई कुड ईट एंड ड्रिंक व्हाटएवर आई वांटेड एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड आई हैड अ बॉल, आई हैव टू से आई हैड अ बॉल, बट इट वाज आल्सो मोस्ट अनकंफर्टेबल। इवन माय रेसलिंग ट्रेनिंग वाज अफेक्टेड बिकॉज आई वाज कैरिंग सो मच वेट दैट आई कुडंट रियली मूव फास्ट एनफ। You know, your breathing changes when you put on weight. Your whole body language changes. The way you walk, the way you sit, the way you try to stand up, everything changes. वो बात मेरी समझ में ना आई कि बॉडी सूट में मजा नहीं आएगा। मतलब चलिए शर्ट के नीचे मैं मोटा लगूंगा, लेकिन वो फील नहीं आएगा, वो
मजा नहीं आएगा मुझे एज एन एक्टर. I hope you never see me like this ever again. जब शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा वजन इतना ज्यादा था 97 किलोज और 38% बॉडी फैट. मुझे लगा कि ये मैंने पंगा ले लिया है क्योंकि अब ये होगा नहीं. जब आप हिमालय की चोटी को देखते हो तो आपको लगता है कि आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. वो चीज़ बहुत दूर लगती है, बहुत मुश्किल लगती है. आप निराश हो जाते हो. पहले दिन आप करते हो और आपको लगता है कि यार अभी तो शुरुआत ही है, बहुत दूर जाना है. तो ये जो निराशा की थॉट्स आते थे मेरे मन में, मैं उनको हटा देता था और मैं सोचता था कि जो भी है सिर्फ आप इस दिन के बारे में सोचो, जो सफर है उसके अंत के बारे में मत सोचो. कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, one day at a time, one step at a time. Diet is number one in changing your body. आप कितनी भी कसरत कर ले अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. भाभी जी फाइनली कॉमेडी शो चिड़ियाघर ने पूरे कर लिए हैं अपने 5 साल. मुबारक हो भाई. समस्त जानवरों की तरफ से मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ. जी हाँ, जानवरों की तरफ से. क्या है ना, मेरे अंदर भी जानवरों की कुछ क्वालिटी है. बचपन में टीचर मुझे मुर्गा बना देती थी. पापा कहते थे कि तू गधा है. मम्मी कहती थी कि तू मेरा शेर बेटा है. हाँ, मेरे आसपास के जितना माहौल है ना सब जानवरों वाला है. मैंने तो बहुत पहले कैट की कोचिंग भी ली थी और मेरे कंप्यूटर में माउस भी है. खैर छोड़िए इन सब बातों को, आप ये खबर एंजॉय करिए. जमकर होगी, मयूरी भी नाचेगी और कोयल भी गाएगी, मोटक भी झूमेगा और बच्चा पार्टी भी जमकर ठुमके लगाएगी क्योंकि चिड़ियाघर ने पूरे कर लिए हैं 5 साल और इसीलिए यहां सेट पर चल रही है पार्टी बेमिसाल और पूरी कास्ट कर रही है अपने प्रोड्यूसर साहब को शुक्रिया अदा. Thank you so much, sir, for giving us a beautiful show like Chidiyaghar. Thank you so much. And giving us beautiful characters. इन सभी से 5 साल के वो 5 पल जिन्हें इन्होंने मिलकर जिया और जोड़ दी रिश्तों की कड़ी. हमें ना एनेक्डोट्स छोटे छोटे याद रह जाते हैं तो वही बताते हैं. हमारा 1000 एपिसोड्स पूरा हुआ था और हमने यहीं पर 1000 एपिसोड्स की बहुत शानदार पार्टी की थी और 4 केक रखे हुए थे बड़े बड़े से, उसमें 1000 लिखा हुआ था. And we enjoyed so much. हमने वो सारा केक खा लिया था. जब एंट्री की थी there was a track जहाँ पर हम लोग रॉक बैंड बने थे. That was I think a very memorable thing for us. हाँ, ये नहीं थी यहाँ पर. But see, you know, कुछ ना कुछ अतरंगा हर एपिसोड हम करते ही रहते हैं. लगता है हमारी रेट्रो लुक वाली थी. रेट्रो लुक बहुत अच्छा था. हम लोग बुड्ढे है ना, हम लोग बुड्ढे भी बने थे. हनीमून मनाने के लिए ग्रीन विलेज गए थे तो वो आउटडोर था. बता रही है कि ग्रीन विलेज हम लोग गोवा गए थे, किसी अलग जगह गए थे. फिर हम लोगों को एक बार ना कबीले वाले कैप्चर कर लेते हैं तो हम नागा डांस करते हैं. दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर अस. पार्टी में हो का नाच गाना, सभी ने साथ में लगाए ठुमके तो कोई खुशी में हो गया बिल्कुल दीवाना. 5 साल पूरे होने की खुशी तो साफ जाहिर है लेकिन आगे आने वाले सालों की और क्या ख्वाहिश है. वी लव चिड़ियाघर. फैंटास्टिक फैंटास्टिक बोल क्या है ना, कोई भी शब्द
जो होता है वो कभी कभी शब्द जो होते हैं ना वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं. सो मैं एक शब्द आई डोंट नो फीलिंग्स को कैसे इंसान अल्फाजों में कैसे उसको पुट अप करते हैं मुझे नहीं पता है. बट हाँ मैं ये कहूँगी कि आई जस्ट प्रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि हमारा ये शो और चले. सिकंदर तो आप है ही, तभी तो 5 सालों से आप अपने फैंस के साथ जुड़े हैं. आने वाले सालों के लिए हमारी तरफ से भी ऑल द बेस्ट. संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया. भाभी जी, सीरियल थपकी प्यार की है इसके अंदर जो कबीर है ना वो बिहान को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं. बताइए बिहान को. कबीर जी आपके लिए मैं एक चीज लेकर आया हूँ. मैं सबको देता हूँ, आपको भी देता हूँ. एक मिनट, यही रखी थी आपके लिए. आप बिहान को मारेंगे ना, ये रही, मिल गया मिल गया. आपको मैं ये देना चाहता हूँ, ठेंगा. अरे छोड़ो यार, आपने मार दिया बिहान का. हीरो है वो, खाना खा के डकार मार के दिखाओ मुझे, मैं तब भी मान जाऊंगा आपको. अरे छोड़ो, अरे हटाओ यार, अरे नहीं मार सकते, मुझे सुनना ही नहीं है यार. इकट्ठा है पांडे परिवार, पिकनिक मना रहे हैं एक साथ, जहां साजिशें हैं बेहिसाब. जी हां, सीरियल थपकी में आखिरकार पूरा परिवार एक साथ पिकनिक मनाने आ ही गया, जहां सब मिलकर खेल रहे हैं पासिंग द पार्सल का गेम, जिसमें बिहान ने दिया थपकी और कबीर को किस करने का डेयर. लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफा मुड़ के देखो ए यार जरा हमको. थपकी को ये एक्सपेक्ट करके उसको चैलेंज करता हूँ कबीर को किस करने के लिए, वो नहीं करेगी क्योंकि वो थपकी है. बट एज बीइंग वानी वो उसको कर देती है. बिहान ने अपनी अपना गुस्सा थपकी पे निकालने के लिए उन्होंने थपकी ऑफकोर्स वानी और ब्रॉय को बोला कि वो मुझे किस करें. अब ऑफकोर्स ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे लिए भी और वानी के लिए भी और थपकी के लिए भी. वैसे इस पिकनिक में रोमांस के साथ साथ बिछाया गया है साजिशों का भी जाल. एक तरफ अदिति फंस गई है खंडर के पास, जिसे बचाने पहुंच जाते हैं ध्रुव. यहाँ अदिति तो वही बिहान पर भी कबीर ने तानी बंदूक, लेकिन चूक गया वार. हम लोग एंजॉय करना है क्योंकि बहुत टाइम से हमारे घर में बहुत सारे ड्रामे हो रहे थे. उन सब ड्रामे को क्लियर करने के लिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम लोग आज पिकनिक पे आए. लेकिन पता नहीं था कि यहाँ पिकनिक में भी ऑलरेडी बहुत सारे ड्रामे फिक्स्ड हैं, तो उन्हीं ड्रामे के हम लोग हिस्से बने हुए हैं. जहाँ एक जगह मुझे गोली लगने वाली है, दूसरी जगह अदिति किसी मुसीबत में पड़ने वाली है. मैंने ही प्लान किया है, मैं ही सबको पिकनिक पे लेकर आया हूँ और मैंने और भी चीजें प्लान करी हैं. भाई कुछ समझ नहीं आई बात, आखिर कबीर में ऐसा क्यों आ गया बदलाव? भाई ये सीरियल है, सीरियल की कहानी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें दिखाना है ड्रामे का डोज ताकि ना हो ऑडियंस बोर. संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया. तो भाभी जी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का. तो एक बार और अर्ज किया है कि मेरा शो चाहे जैसे भी देखिए, खड़े होके बैठ के या फिर लेट के. मेरा शो चाहे जैसे भी देखिए, खड़े होकर बैठ के या फिर लेट के. और बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठ के? आइए भाभी अब आपको दिखाते हैं ढेर सारी छोटी छोटी खबरें फटाफट. पता है मुझे किसी ने कहा था कि छोटी चीजों की बहुत वैल्यू है. जी हाँ, पर ना मुझे भरोसा नहीं हुआ. उसने मुझे समझाया अभी कि छोटी चीजों की इसलिए वैल्यू है क्योंकि भाई इंसान पहाड़ पर बैठ सकता है लेकिन सुई पर नहीं. मैंने कहा हट, ऐसे थोड़ी हो सकता है. मैं सुई पर बैठ गया, फिर क्या? आपको क्या लगा मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ?
सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल शक्ति का हार, जहां सौम्य को लेने आई है उसकी बहन ताकि मिल सके उसे पीतो के आतंक से आराम, जहां हरमन जाने से पहले देते हैं सौम्या को तोहफा जिसे सौम्या प्रीतो के डर से लेने से कर देती है इनकार। अब हमारी रेलगाड़ी पहुंची सीरियल भाभी जी के सेट पर, जहां हुआ नया नाटक शुरू, क्योंकि अम्मा जी चाहती हैं कि तिवारी जी जाए जेल ताकि हट जाए तिवारी जी पर से शनि की दशा, लेकिन यहां तो उल्टा ही पड़ जाता है मामला, क्योंकि असली में लग जाता है तिवारी जी पर इल्जाम। अब आपको दिखाते हैं सीरियल कुछ रंग प्यार की कहानी, जहां एक बार फिर आती दिख रही है सोनाक्षी और ईश्वरी जी में दरार। दरअसल देव के लिए ईश्वरी जी बनाती है कुछ खास, लेकिन सोनाक्षी यहां भी कर देती है बवाल। अब आपको दिखाते हैं सीरियल सुरागनी का हाल, जहां भाई बना भाई की जान का दुश्मन, देखिए ना कैसे सबके सामने कर रहे हैं लक्ष्य और संस्कार हाथापाई। अब जाते जाते आपको दिखाते हैं सीरियल में आई कम इन मैडम का हाल, जहां पहुंची फिल्म वजह तुम हो की स्टार कास्ट, जिन्होंने बनाया संजना का जन्मदिन खास। भाभी कल क्या हुआ? मैं घर ना थोड़ी देर से पहुंचा, मेरे पापा ने मुझसे पूछा कहाँ था है? मैंने कहा पापा दोस्त के घर था, तो ये बात कंफर्म करने के लिए मेरे पापा ने मेरे चारों दोस्तों को फोन लगा दिया। पहले ने बोला हाँ अंकल वो यही था, दूसरे ने बोला अंकल अभी अभी निकला है, तीसरे ने बोला अंकल वो यहीं पर है, चौथे ने तो हद ही कर दी भाभी, मेरी आवाज निकाल के बोलता हाँ पापा बताओ ना मैं यहीं पे हूँ। मतलब सही कह रहा हूँ भाभी, अगर ऐसे दोस्त हो ना तो जिंदगी में दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। हाँ खैर दोस्त चाहे जैसे भी हो जरूरी तो होते ही हैं। फिलहाल तो भाभी जी वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना, कल फिर मुलाकात होगी भाभी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। भाभी